पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो अपनी काली करतूतों की वजह से पूरी दुनिया में परिचित है और दुनिया भर में आतंकवादियों को पनाह देने के लिए ये देश बदनाम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की दुश्मनी सिर्फ भारत से ही है तो आप गलत हो, क्योंकि भारत के अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को हेट करते हैं और अपना दुश्मन मानते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे उन देशों के बारे में जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। इंडिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो बंटवारे के बाद से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हैं। कश्मीर और कई सारे अन्य मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है और दोनों एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। दाऊद इब्राहिम, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को अपने देश में शरण देने वाला पाकिस्तान भारत से ही निकलकर भारत को ही आंखें दिखाता है। हमारे कश्मीर को सदा अपना कहने वाला पाक आए दिन सीमा पर फायरिंग जैसी नापाक करतूतों को अंजाम देता है। अफगानिस्तान। एक समय था जब अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण राष्ट्र हुआ करता था और वो पाकिस्तान को अपना भाई मानता था, लेकिन पाकिस्तान के काले करतूतों की वजह से आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को दुश्मन की नजरों से देखता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद की वजह से ही अफगानिस्तान आज इतना पिछड़ गया है। भारत की ही तरह अफगानिस्तान का भी आरोप है कि आतंकवादी पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल करके उनकी सीमा में घुसपैठ करते हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर भी काफी टकराव की स्थिति बन गई है। इजराइल। पाकिस्तान और इजराइल के बीच संपर्क आजादी के शुरुआती दिनों से ही प्रारंभ हो गए थे। इजराइल पाकिस्तानियों को अपने देश में आने की इजाजत नहीं देता है क्योंकि यह प्राचीन समय से ही पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। दरअसल इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आतंकी कभी जाने की गलती नहीं करते। यह हर मुद्दे पर पाकिस्तान से नफरत करता है। इजराइल की सैन्य ताकत भी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए हमेशा पाकिस्तान को इसका डर सताता रहता है। कोई भी पाकिस्तानी नागरिक दुनिया में कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो इजराइल में कदम नहीं रख सकता। ईरान। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते पहले मजबूत हुआ करते थे और ईरान पहला इस्लामिक देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार तब आई जब पाकिस्तान ने सुन्नी समर्थित तालिबान को समर्थन दिया। 1990 के दशक में जब पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया, तभी से पाकिस्तान और ईरान के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। इस बात से ईरान को बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से शिया बहुल ईरान के पाकिस्तान से दूरियां बढ़ती गईं। इसके अलावा पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें ईरान को भी परेशान कर रही हैं, जिससे ईरान पाकिस्तान से खुश नहीं है। अमेरिका। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोल्ड वॉर के दौरान मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में संबंधों में तनाव पैदा हुए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का डर पाकिस्तान को हमेशा सताता रहता है। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान में स्थित परमाणु हथियारों का होना है। अमेरिका हमेशा उसे सावधानी बरतने के लिए कहता है और धमकाता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद बहुत ज्यादा है और आतंकवादी भी हमेशा यही चाहते हैं कि परमाणु हथियार उनके हाथों लग जाएं। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अगर आपकी नजर में और भी कोई देश पाकिस्तान का दुश्मन है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।